वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज आपको मैं अरबी के बारे में बताने जा रही हूँ। अरबी, जिसको टारो रूट भी कहते हैं और इसको अरुई भी कहते हैं, गांव में अक्सर लोग इसको घुइया के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही फेमस सब्ज़ी है और ये इसकी फ्रेंड्स रूट और लीफ दोनों खाई जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों पहले इसको लगाया था और ये देखिए इसकी लीफ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इसकी पत्तों की सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार होती है, इसलिए इसको फ्रेंड्स लगाते हैं ये। और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और गार्डन की लुक हरा भरा करती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके पत्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं। फ्रेंड्स, अरबी का साइंटिफिक नाम जो है कोलोकेसिया और एस्क्यूलेंटा है। ये फ्रेंड्स, ये साल में दो बार लगाई जाती है, जून से जुलाई तक और फरवरी से लेकर के मार्च तक इसको लगाने का टाइम है। ये हेल्थ के लिए भी फ्रेंड्स बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, और इससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और आँखों की रोशनी जो है फ्रेंड्स वो बेहतर होती है। और भी इसके फ्रेंड्स बहुत सारे फ़ायदे हैं। वीडियो क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। और ये मेडिसिन में फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि इसको फ्रेंड्स खाने से, कच्चा खाने से गले में खुजली शुरू हो जाती है। अगर आप इसको हाथों से अगर छीलते भी हैं तो हाथों में भी इसकी खुजली शुरू हो जाती है, इसलिए हाथों को फौरन काटने के बाद में बहुत अच्छी तरह से फ्रेंड्स ये धोना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ये अरबी का ये प्लांट्स है और ये इसके पत्ते जो हैं फ्रेंड्स देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और उसी में फ्रेंड्स ये देखिए कि ये ब्रॉड बीन्स सेम का भी प्लांट्स निकल आ गया है, कि मेरे पास पॉट खाली नहीं था, मैं कुछ दिनों में इसको अलग कर दूंगी। और फ्रेंड्स, इसके मैंने ये प्लांट्स लगाया था उसके बाद, और मैंने इसको फ्रेंड्स ये ऐसे ही कुछ रख दिया था मेरे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके ये नोड एरिया है, यहाँ से ये देखिए निकलना शुरू हो गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी क्या कहते हैं जड़ आ गई है ये। अब इसको भी मैं ये लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे में ये देखिए ये जड़, आप इसको ऐसे ही रख दीजिए तो ये इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए ये जड़ आ गई है, ये जड़ निकल आई है। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं अब ये लगा देती हूँ, इससे मेरी प्लांट निकल आएंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप इसको पत्तों की सब्ज़ी बनाने के लिए आप इसको घर में लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको रखा था, ये देखिए सब में फ्रेंड्स ये देखिए ये नोट से निकल आई है। इसको ऐसे करके फ्रेंड्स अब मैं आपको ये लगा करके बताती हूँ। ये नोट वाला पोर्शन जो है ये आपको इसको ऊपर ऐसे ही रख दीजिए, और इसको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप इसको बस ऐसे ही ये लगा दीजिए और बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाती है और कोई ख़ास केयर भी नहीं मांगती है। और इसमें हरे भरे ये देखिए फ्रेंड्स पत्ते निकल आते हैं। आप पत्ते इसको ना भी खाना पसंद करें तो, लेकिन देखने में ये बिल्कुल कितने ये खूबसूरत लगते हैं। बस इसको आप इसी तरह से फ्रेंड्स ये ऐसे ही लगा दीजिए। मैं इसी पॉट में मैं सबको लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें भी ये ऐसे ही मैंने रख दिया था, तो इसमें ये देखिए ये रूट आ गई है। और क्योंकि बारिश का सीज़न है तो ये रूट आ गई है, इसको मैं थोड़ी सी भी नमी मिली तो ये रूट आ गई। इसको भी मैं इसमें ऐसे ही करके ये मैं ये लगा देती हूँ। ये फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बारिश हुई है और मेरी मिट्टी जो है वो गीली है, तो इसलिए मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी जो है ये गल भी जाती है ये। और बाकी जो बचे हैं मैं इनको किसी दूसरे पॉट में लगा दूंगी। आप लोग फ्रेंड्स इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। आप इसको पत्तों के लिए लगाइए, इसके पत्तों की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है ये। और दो चार पत्ते भी अगर आप लोग को मिल जाएं तो पत्तों के लिए इसको लगाइए, और देखने में भी ये कितने खूबसूरत इसके पत्ते लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स,
अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि फ्रेंड्स आप मुझे भी मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूँ। हैप्पी गार्डनिंग।